नमस्कार, मैं प्रज्ञा धारदा, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। राज्य सरकार ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात 4 भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रोन्नति दी है। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक 2006 बैच के सुजीत कुमार को डीआईजी और सिद्धार्थ मोहन जैन को आईजी में प्रोन्नत किया गया है। 2010 बैच की धूरत साइली सावलराम और हरि प्रसाद एस को प्रवर कोटी से डीआईजी में प्रोफार्मा प्रोन्नति दी गई है। कतर में भारत के 8 पूर्व नौसैनिक अफसरों को फांसी की सजा रुकवाने को सत्तारूढ़ दल भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति और कूटनीतिक प्रयासों की जीत बताया है। लेकिन विपक्षी कांग्रेस ने इस बड़े फैसले का श्रेय कतर की अदालत को देते हुए कहा कि पार्टी ने इस बात पर राहत जताई है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इस घटनाक्रम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मोदी के नेतृत्व में भारतीय विदेश नीति की धाक पूरा विश्व मानता है। सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों से 31 दिसंबर 2023 की स्थिति के आधार पर चल व अचल संपत्ति व दायित्वों का ब्यौरा मांगा है। सभी राज्य कर्मियों को यह ब्यौरा 15 फरवरी 2024 तक अनिवार्य रूप से देना होगा। 15 फरवरी 2024 तक संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी और उनके वेतन रोक दिए जाएंगे। इसरो के चेयरमैन श्रीधर सोमनाथ ने कहा कि भारत अगले 5 वर्षों में 50 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इन उपग्रहों के जरिए जियो इंटेलिजेंस जुटाएगा। आसान भाषा में अगर कहे तो ये सैटेलाइट खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में भारत की मदद करेंगे। इसरो प्रमुख के मुताबिक सैटेलाइट को अगल बगल कक्षाओं में स्थापित किया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग के दूसरे चरण में नियुक्त शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 26 दिसंबर से शुरू हो गई है। ऐसे में कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनकी काउंसलिंग पर रोक लगा दी गई है। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से उन अभ्यर्थियों के काउंसलिंग पर रोक लगा दी गई है जिनकी अनुशंसा बिहार लोक सेवा आयोग ने बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षक पद के लिए की थी, लेकिन इनके पास आधार नंबर या आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर नहीं है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के प्रमुख अनीश दयाल सिंह को बृहस्पतिवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में यह जानकारी दी गई। आदेश में कहा गया कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 31 दिसंबर 2024 तक यानी सिंह को सेवानिवृत्ति की तारीख 1 CRPF तक के महानिदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अभी तक आधा दर्जन केस सामने आ चुके हैं। वहीं देश के कई हिस्सों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े तो बिहार का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। वहीं एक बार फिर से राजधानी पटना में एक कोरोना मरीज मिला है। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गुरुवार को हुई कोरोना जांच में 30 वर्षीय युवक संक्रमित पाया गया है। वह बेगमपुर मोहल्ले का रहने वाला है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छा मौका है। इसके लिए NTPC ने माइनिंग के पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। उम्मीदवार जो अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किए हैं वे NTPC की आधिकारिक वेबसाइट ntpc.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 तक है। बिहार में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी। बिहार विधानसभा सचिवालय ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए 4 अलग अलग विज्ञापन जारी किए हैं। सचिवालय द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 2/2023 के मुताबिक सुरक्षा प्रहरी के 80 पदों पर भर्ती की जानी है। इसी प्रकार डाटा एंट्री ऑपरेटर के 40 पदों के लिए विज्ञापन संख्या 3/2023, चालक के 9 पदों के लिए विज्ञापन संख्या 4/2023 और कार्यालय परिचारी के 54 पदों के लिए विज्ञापन संख्या 5/2023 जारी किया गया है। चाइल्ड केयर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी फर्स्ट क्राई की पेरेंट कंपनी ब्रेनबेस सॉल्यूशन लिमिटेड अपनी IPO लाने जा रही है। कंपनी ने IPO के लिए शुरुआती दस्तावेज सेबी के पास दाखिल कर दिए हैं। IPO में फर्स्ट इश्यू और दोनों होंगे। ऑफर फोर्ड सेल में कई बड़े शेयरधारक कंपनी में अपनी हिस्सेदारी घटाने की तैयारी में है। इनमें से एक टाटा समूह के मानद चेयरमैन रतन टाटा भी हैं। भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी समेत क्रिप्टो एसेट और उनके ऊपर काम कर रही कंपनियों पर शुरुआत से ही सख्त रुख अपनाया है। पहले ही भारत में उनके ऊपर भारी भरकम टैक्स लग रहा है। अब एक ताजा मामले में कई विदेशी क्रिप्टो कंपनियों को मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत नोटिस भेजे गए हैं। देश में उन कंपनियों के परिचालन को गैर कानूनी बताते हुए एक्सेस ब्लॉक करने की भी सिफारिश की गई है। इस बारे में वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को अपडेट शेयर किया। मंत्रालय के अपडेट के अनुसार जिन कंपनियों को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत कारण बताओ नोटिस भेजे गए हैं। टैक्स डिपार्टमेंट ने ONDC पर बिक्री कर रहे ई कॉमर्स सेलर से TDS की कटौती पर स्थितियां स्पष्ट कर दी है। इसके लिए CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने गुरुवार को नया सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर में CBDT ने बताया कि ई कॉमर्स बिक्री पर 1% की TDS कटौती बिक्री के टोटल अमाउंट पर लागू होगी, जिसमें ONDC पर माल व सेवाओं की पेशकश के साथ विभिन्न ई कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा वसूल किए जाने वाले चार्जेस व फीस शामिल हैं। फिजिकल मार्केट में आज सोने के भाव में 400 रुपए की मजबूती दर्ज की गई है। साथ ही चांदी के भाव भी 300 रुपए प्रति किलो ऊपर बोले जा रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में सोना $10.55 की कमजोरी के साथ $2,069 प्रति औंस पर कारोबार करता हुआ देखा गया। वहीं चांदी $0.38 की गिरावट के साथ $23.92 प्रति औंस पर है। गुटरी टर्न्स वेबसाइट पर दिए रेट के मुताबिक आज सोने चांदी के भाव में बढ़त दर्ज की गई है।
इंसाकॉक के बृहस्पतिवार को अद्यतन किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड 19 के उपस्वरूप JN1 के कुल 157 मामले मिले हैं, जिनमें केरल में सबसे अधिक 78 मामले सामने आए हैं। इसके बाद गुजरात में 34 मामले मिले हैं। कई राज्यों में पिछले कुछ हफ्तों में कोविड के मामलों की संख्या में वृद्धि देखी गई है और 9 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक वायरस के JN1 उपस्वरूप की उपस्थिति का पता लगा है। सरकार छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में इजाफा कर सकती है। यह बढ़ोतरी 2024 के जनवरी मार्च तिमाही के लिए की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह लगातार छठी तिमाही होगी जब सरकार स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दर बढ़ाएगी। हालांकि अभी इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। 29 दिसंबर यानी आज सरकार की ओर से इस संबंध में घोषणा की जा सकती है। आपको बता दें कि स्मॉल सेविंग्स स्कीम के ब्याज दरों में बढ़ोतरी जिस आधार पर की जाती है वह इसकी बढ़ोतरी की ओर इशारा कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि भारत और रूस के बीच संबंध सिर्फ कूटनीति या अर्थव्यवस्था को लेकर नहीं है, यह इनसे कहीं ज्यादा गहरा है। रूस की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए जयशंकर ने सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी में भारतविदों के साथ बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की। कहा कि इस जुड़ा में बुद्धिजीवियों की भूमिका और विद्वानों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसी साल के शुरुआत में डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक 2022 के नाम से एक सूची जारी की है, यानी कि घरेलू सिस्टम के लिए अहम बैंक है। इस लिस्ट में देश के सबसे सुरक्षित बैंकों के नाम शामिल किए गए हैं। RBI द्वारा जारी सबसे सुरक्षित बैंकों की सूची में एक सरकारी और 2 प्राइवेट बैंकों के नाम शामिल है। इसमें पब्लिक सेक्टर का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के 2 बैंक इस लिस्ट में शामिल है, इनमें HDFC बैंक और ICICI बैंक का नाम शामिल है। जीवन बीमा कंपनियों ने वित्त वर्ष 2022-23 में अपने एजेंटों को 42,322 करोड़ रुपए का कमीशन दिया है। एक साल पहले 35,877 करोड़ कमीशन दिया गया था। यह कुल प्रीमियम की तुलना में 5.41% है। एक साल पहले यह 5.38% थी। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार प्रीमियम की तुलना में कमीशन की वृद्धि ज्यादा रही है। कुल कमीशन 17.93% बढ़ा है, जबकि कुल प्रीमियम की वृद्धि 13% के करीब रही है। चंद्रमा पर भारत के सफल चंद्रयान 3 मिशन की लागत लगभग 600 करोड़ रुपए थी। आप विश्वास करेंगे, नरेंद्र मोदी सरकार ने कबाड़ जैसी फाइलें, खराब हो चुके ऑफिस उपकरण और पुराने वाहनों को बेचकर ऐसे 2 मिशनों की लागत के बराबर पैसा इकट्ठा कर लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्टूबर 2021 से केंद्र सरकार के कार्यालयों में आश्चर्यजनक संख्या में 96 लाख फाइलों को हटा दिया गया है। इन फाइलों को कंप्यूटर पर अपलोड कर दिया गया है। ब्याज दरों में वृद्धि और कीमतों में 15% तेजी के साथ भी इस साल 7 प्रमुख शहरों में रिकॉर्ड 4.77 लाख मकान बिके हैं। यह एक साल पहले के 3.65 लाख मकानों की तुलना में 31% ज्यादा है। इससे पहले 2014 में रिकॉर्ड 3.43 लाख मकान बिके थे। एनरॉक के मुताबिक 2023 में अब तक किसी भी कैलेंडर साल में सबसे ज्यादा बिक्री हुई है। वैश्विक प्रतिकूलताओं, संपत्ति की बढ़ती कीमतों और पिछले 1.5 साल से ब्याज दरों में 2.50% की वृद्धि के बावजूद 2023 घरेलू आवासीय क्षेत्र के लिए बेहतरीन साल रहा। भारत का सौर मिशन अपने सबसे अहम पड़ाव के करीब पहुंच गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख एस सोमनाथ ने गुरुवार को आदित्य L1 मिशन को लेकर बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने कहा कि आदित्य L1 6 जनवरी को शाम 4 बजे L1 बिंदु पर हेलो ऑर्बिट कक्षा में पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि यान की को कक्षा में प्रवेश कराने के लिए आदित्य L1 के इंजन को बहुत नियंत्रित तरीके से चलाया जाएगा। पीएम मोदी द्वारा नौसेना दिवस पर की गई घोषणा आज अमल में आ गई है। घोषणा के अनुसार आज भारतीय नौसेना ने एडमिरल्स एप्लॉट्स के नए डिजाइन का अनावरण कर दिया है। पीएम मोदी ने सिंधु दुर्ग में नौसेना दिवस 2023 के दौरान घोषणा की थी कि अब सभी एडमिरल के कंधों पर नए डिजाइन के एपॉलेट्स होंगे। ये एपॉलेट्स छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा से प्रेरित है। पीएम ने कहा था कि ये नया डिजाइन नौसेना ध्वज से लिया गया और हमारी समृद्ध समुद्री विरासत को दर्शाता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में मिली करारी हार के बाद ICC ने भारत को दोहरा झटका दिया है। स्लो ओवर रेट के चलते टीम इंडिया पर भारी जुर्माना लगाया गया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तय समय पर 2 ओवर कम फेंकने के कारण रोहित शर्मा की टीम के 2 महत्वपूर्ण ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट काटे गए हैं। वहीं खिलाड़ियों पर मैच फीस का 10% जुर्माना भी लगाया गया है। इमिरेट्स ICC एलिट पैनल ऑफ मैच रेफरी के क्रिस ब्रॉड ने भारत को टारगेट से 2 ओवर पीछे रहने के बाद यह सजा दी है। भारत मध्य पूर्व के अन्य देशों की तरह ही सऊदी अरब का प्रमुख मसाला आपूर्तिकर्ता देश है, लेकिन अब इस बाजार में बांग्लादेशी मसालों की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिसने भारत के लिए चिंता की स्थिति पैदा कर दी है। बांग्लादेश के एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक इस साल जुलाई से नवंबर के बीच बांग्लादेश ने खाड़ी देशों को $1.7 करोड़ के मसाले निर्यात किए हैं। इस अवधि में कुल मसाला निर्यात का आधा से अधिक हिस्सा सऊदी अरब गया है। शेयर बाजार के लिए 2023 एक यादगार वर्ष रहा। सकारात्मक कारकों के दम पर शेयरों में शानदार तेजी आई और दलाल स्ट्रीट के निवेशकों ने इस साल अपनी संपत्ति में 80.62 लाख करोड़ रुपए जोड़े। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियाद, 3 राज्यों में हाल ही में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत से राजनीतिक स्थिरता, आशावादी कॉरपोरेट आय दृष्टिकोण, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अगले साल 3 संभावित दरों में कटौती को लेकर संकेत देने और भारी खुदरा निवेशकों की भागीदारी ने 2023 में शेयर बाजार में तेजी लाने में अहम भूमिका निभाई है।
अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता लाने के मकसद से 2023 में अपने सहयोगियों के साथ सहयोग एवं अभूतपूर्व उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि अमेरिका ने भारत के साथ अपने सैन्य संबंधों के दायरे को आधुनिक बनाया है और रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण संबंधी उसकी योजनाओं को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिसमें अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन भी शामिल है। वह राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से कुछ हफ्ते पहले 2 अमृत भारत ट्रेन और 6 वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी राज्य में 15,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। यह पहल अयोध्या की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए समकालीन विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की स्थापना के उनके उद्देश्य के अनुरूप शुरू की जा रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र को राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, गुवाहाटी, इलाहाबाद और झारखंड के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले 5 न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश की है। कॉलेजियम ने राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शील नागू, गुवाहाटी हाईकोर्ट के विजय बिश्नोई, इलाहाबाद हाईकोर्ट के अरुण भंसाली और झारखंड हाईकोर्ट के लिए न्यायमूर्ति बीआर सारंगी के नाम की सिफारिश की है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बड़ी पेशेवरों यानी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को भी बड़ी राहत देने पर विचार कर रहा है। ईपीएफओ ने कहा है कि कर्मचारियों के साथ पेशेवरों का भविष्य भी सुरक्षित बनाने के लिए नियमों में बदलाव पर मंथन किया जा रहा है। योजना पर अमल हुआ तो डॉक्टर, इंजीनियर और वकील जैसे पेशेवरों के लिए भी प्रोविडेंट फंड खाते का रास्ता खुल जाएगा और उन्हें भी इस सुरक्षित योजना में निवेश करने का मौका मिलेगा। मोदी सरकार महंगाई से परेशान लोगों को नए साल में बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि 1 जनवरी को पेट्रोल डीजल के दाम 10 रुपए तक घटाए जा सकते हैं। पीएमओ, वित्त मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय के उच्च अधिकारियों में हाल में हुई बैठक में पेट्रोल डीजल के दाम कम करने पर चर्चा हुई थी। इसका भार वित्त मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय और तेल कंपनियों तीनों मिलाकर उठाएंगे। हमारे तरफ पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे तरफ पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है धीरज कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, जितेंद्र ठाकुर, नौशद राजा, बाबूलाल मरांडी, सोनम कुमारी, अनवर करीम खान, निशु कुमारी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में आज ठंड की स्थिति कैसी है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।